आज हम बिल्कुल सिंपल सी मिठाई बनाएंगे मैंगो डिलाइट, जो कि सिर्फ दो तीन चीजों से ही बन जाएगी। नमस्कार, आशा मेहता की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिल्कुल सिंपल सी मिठाई बनाएंगे मैंगो डिलाइट, जो कि सिर्फ दो तीन चीजों से ही बन जाएगी। उसके लिए सिर्फ हमें मैंगो चाहिए, मैंने एक बड़े साइज का मैंगो लिया है, और हमें डेसिकेटेड कोकोनट चाहिए और थोड़ा सा मिल्क मीट चाहिए। हम इसमें ना तो चीनी डालेंगे, ना घी डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, और बहुत टेस्टी सी मिठाई बनके तैयार होगी। तो आइए हम इसको बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने आम को छील कर इसको रफली चॉप कर लिया है, और इसको हम एक मिक्सी में इसकी अच्छी सी प्यूरी बनाएंगे, स्मूथ सी प्यूरी। तो हम इसको थोड़ा सा मेजरमेंट कर लेंगे, क्योंकि जितना हमारा मैंगो पल्प है उतना ही हम कोकोनट डालेंगे। ये हमारा एक कप के करीब है मैंगो पल्प, और इसमें हम इतना ही कोकोनट डालेंगे। और आइए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने गैस पे एक पैन को रखा है। आप कोशिश कीजिए कि थोड़ी सी जो आप कढ़ाई या पैन जो भी ले रहे हैं थोड़ी सी भारी तले की हो, और हम इसको में कोकोनट डालेंगे। हमारा मेजरमेंट यही रहेगा, जितना मैंगो का पल्प है, मान लीजिए एक कप मैंगो का पल्प है, तो आप एक कप ही कोकोनट डालिए इसमें। हम इसको 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। आप गैस की लो को बिल्कुल मीडियम कर दीजिए। डेसिकेटेड कोकोनट है वो रोस्ट हो चुका है, और अब हम इसमें मैंगो प्यूरी डालेंगे। ये एक कप मैंगो प्यूरी ली है मैंने, आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं। देखिए काफ़ी थिक हो चुका है हमारा ये मैंगो और कोकोनट का मटेरियल। तो अब हम इसमें मिल्क में डालेंगे, मैंने 1/2 कप के करीब मिल्क में डाला है इसमें। इसको हम 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये अच्छे से भून चुका है, और ये देखिए इसने कढ़ाई का तला भी छोड़ दिया है। बस हमें इसी तरह तक भूनना है, जब हाथ से छूने लायक हो जाएंगे तो हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा मिश्रण ठंडा हो चुका है, और अब हम इसके छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे, और इनको हम नारियल में कोट करेंगे। ये हमारे टेस्टी से मैंगो डिलाइट बनकर तैयार हैं, और मैंने इनको पिस्ता से और डेसिकेटेड नारियल से इसको गार्निश किया है। ये देखिए देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं, आप भी ज़रूर बनाइए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और बनाने का तरीका पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जुड़े रहिए आशा मेहता की रसोई के साथ। थैंक यू।